हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस ट्रेवल सीरीज के इस कड़ी में यहाँ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर। ग्वालियर जो अपने जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर फोर्ट के लिए जाना जाता है। आज सबसे पहले हम इसी जिब्राल्टर ऑफ इंडिया पर आए हैं और यहाँ एक बहुत ही अनछुई जगह है जो अक्सर हम लोगों से छूट जाती है। इस किले के पूर्वी छोर पर रॉक कट जैन टेम्पल्स हैं। आपको मैं एक एक करके सब दिखाऊंगा। कुल मिलाकर के यहाँ 26 रॉक कट टेम्पल्स हैं जहाँ पर जैन तीर्थंकरों की खड़े और बैठे मुद्रा में ढेर सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो हमारे बहुत ही रिच स्कल्पचर और आर्किटेक्ट को दिखाती हैं। आप देख रहे होंगे ये जिब्राल्टर ऑफ इंडिया का पूर्वी सिरा है जिसका ये नॉर्थ कॉर्नर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये चैनल लगा हुआ है जो गुफाओं में जाने का एक प्रवेश द्वार है। यहाँ से एक एक करके आप देखेंगे तो आपको सीरीज में तमाम जैन धर्म के तीर्थंकरों की फ़ोटो देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऊपर ये मंदिर हैं। बेसिकली ये कहीं बाहर से ला करके स्थापित किए गए मंदिर नहीं हैं, बल्कि इसी में पहाड़ को काट करके बनाया गया है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे रख रखाव में, यद्यपि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है, तथा पूर्व में कुछ नेचुरल क्राइसिस की वजह से, कुछ दूसरे कारणों की वजह से तमाम मूर्तियां खंडित हो गई हैं। आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग की दोनों मूर्तियों के जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में 1, 2, 3, 4, 5 आप देख रहे होंगे इनमें जो ऊपर का हिस्सा है सर के पास वाला वो उतना संरक्षित नहीं रह पाया है। लेकिन अगर आप जूम करके ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें हाथी भी आपको दिखेंगे, साथ ही दूसरे जानवर भी हैं। नीचे आप देखेंगे तो सारे जैन तीर्थंकर यहाँ पर खड़े हुए मुद्रा में हैं। इस तरह से ये पूरा एक सीरीज है जो पूर्वी सिरे के किनारे किनारे आपको लेकर के जाता है। अपनी इंडियन हिस्ट्री में जैनिज्म का एक बहुत ही बड़ा सेंटर ग्वालियर रहा है और ग्वालियर में ये निश्चित ही एक बहुत ही खास और देखने लायक जगह है, कम से कम उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री में अपना भरोसा रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे एक नई जगह के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।